चलिए निम सेट के एक और नए टॉपर से मिलते हैं, आकाश प्रजापति से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 234 है। और आकाश यूपी वाराणसी से हैं। तो आकाश, सबसे पहले 234 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो आकाश, ये बताइए कि अब आपकी 234 रैंक है और यस आपने ये रैंक, अपनी इतनी अच्छी रैंक अचीव की है, तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी वो क्या है? यस किस कब आपने लिमसेट के लिए सोचा था, फिर किस ढंग से इंटायर ईयर आपने पढ़ाई की, किस तरह से टेस्ट पेपर दिए और टेस्ट पेपर के एनालिसिस पे कितना फोकस किया? सर, सबसे पहले मैंने 2023 में बीसीए पास आउट किया था। तो उस टाइम लास्ट सेमेस्टर के ड्यूरिंग मैंने निमसेट का एग्जाम दिया था 2023 में। तो उस टाइम मेरी ऑल इंडिया रैंक 7000+ थी। तो ठीक है, उसके बाद एक तेजपुर यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी मैंने अप्लाई किया था, तो वहां पे एडमिशन हो गया था। फिर क्या है कि लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम मेरा नहीं हो पाया था, जिस वजह से वहाँ एडमिशन कैंसिल हो गया। फिर ड्रॉप वैसे ही लेना पड़ गया क्योंकि एडमिशन हुआ नहीं। इस वजह से मैंने अपने कलीग से, अपने सीनियर से इम्पेटस गुरुकुल का नाम सुना ही था, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया फेमस कोचिंग। तो फिर मैंने वहां से ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की। तो अगस्त से मैंने आपके यहाँ कोचिंग ज्वाइन की। फिर वहां से पढ़ते पढ़ते आए। ऑनलाइन कोचिंग की जो इन्वायरमेंट है, और क्या है कि टीचिंग स्टाइल और बहुत ही स्टेबल है, और ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में हूँ। मैं ऑफलाइन क्लास में ऐसे लगता था मैं पढ़ता हूँ। ये सबसे बेस्ट मुझे चीज लगी। और टेस्ट मॉड्यूल्स, मॉक टेस्ट इतने अच्छे थे, इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए गए थे कि अगर एक बार कोई एनालिसिस कर ले तो उसे कहीं और कोई बुक ना कोई गाइड सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और अब गुगल की इतनी बेस्ट सीट है कि एक बार दो बार कोई अगर सॉल्व कर ले तो वो ऑल इंडिया रैंक 100 तो आराम से ही, और 100 के अंदर आराम से। मैंने आपको, आपकी गाइडेंस को फॉलो किया और सेल्फ के शीट्स को सॉल्व करते रहा। लास्ट बहुत ज्यादा फोकस किया, जिस वजह से मेरी ये आपकी वजह से इतनी अच्छी रैंक आ पाई। तो आकाश, कैसे? वैसे तो आपने एक बार में सब बता दिया। सबसे पहली बात तो ये कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है और पता बाद में चलता है। तो आपका यस तेजपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना भी नहीं गए, आज आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। चले गए होते तो आज यहाँ नहीं होते आप, है ना, मेरे यस साथ सर इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। दूसरी बात, क्योंकि आपने फिर उसके बाद जब आपने इम्पीटस का नाम सुना ही था, इम्पीटस ज्वाइन किया और आपने प्रॉपरली फॉलो किया, जिसका आज आपके सामने रिजल्ट है ना। अब ये बताओ कि यस जब सर आपने ड्रॉप लेना, क्योंकि आपका ऑप्शन भी नहीं था, आपको मजबूरी भी थी क्योंकि सेमेस्टर की वजह से यस आपका रिजल्ट डिले हो रहा था, तो आपके पास मजबूरी भी थी, पर फिर भी आपका एक तरह से ड्रॉप था। तो ड्रॉप ईयर में आपको कहीं पे भी कोई स्ट्रेस आया या कुछ लगा कि पता नहीं क्या होगा या साल का क्या होगा, ऐसा कोई स्ट्रेस? और दूसरी बात, सबसे अच्छी, 7000 रैंक से हाँ आप सर 232 रैंक तक, 234 रैंक तक पहुंचे हैं, ये भी एक अचीवमेंट है। कई बच्चे जिनकी रैंक 5000 होती बोलते हैं सर लू की नहीं, मैं बोलता हूँ भैया 10-10 हजार रैंक वाला बच्चा भी ड्रॉप यस लेके रैंक ला सकता है अगर वो सीरियसली पढ़ाई करे तो। सर स्टार्टिंग में सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता था क्योंकि पिछले ईयर में एग्जाम अच्छे नहीं गए थे, और क्या है कि उतनी तरीके से अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी। तो स्टार्टिंग में थोड़े स्ट्रेस आते थे, नंबर्स कम आते थे, मार्क्स में बहुत ज्यादा नहीं। मेरी भी मॉक्स में रैंकिंग 150 के करीब रहती थी। ऑन एवरेज मार्क्स मेरे 450 से 550 के बीच में आते थे। लेकिन फिर एक यही रहता था कि नहीं, मैं कर लूंगा। स्ट्रेस आने से सबसे आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसको हैंडल करने का तरीका वही हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। अगर हम उसे हैंडल कर लें तो आगे हम बढ़ जाएंगे। और जितनी अच्छी आपके टीचिंग स्टाइल के साथ साथ जो आप गाइडेंस देते थे कैसे स्ट्रेस को हैंडल करना है, वो सब तरीके अगर फॉलो करते जाएं तो हम जरूर ही अच्छे रैंक को ला पाए। एग्जाम सर, आप जैसे बताते थे कि एग्जाम हॉल में अगर स्ट्रेस आ जाए तो थोड़ा सा रुको, 1 मिनट रुक जाओ, पानी पी लो, फिर एग्जाम को दो। तभी वो जो तुम 1 मिनट, भले ही वेस्ट होगा 1 मिनट, लेकिन तुम 1 मिनट से ज्यादा तुम अगले 50 मिनट अच्छे से मैथ्स को सॉल्व कर पाओगे। सबसे मेरे साथ ऐसा ही हुआ था सर, स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट मैंने क्वेश्चंस किया तो थोड़े से स्ट्रेस में चला गया क्योंकि क्वेश्चंस हो नहीं रहते। फिर मैं 1 मिनट के लिए रुका, पानी पिया, फिर उसके बाद फिर से लग गया।
तो अगले 60 मिनट बहुत अच्छे से एग्जाम गया, और फिर वही याद आता था कि सर की जितनी सारी बातें हैं, जितनी सारे स्ट्रेस हैं, सब खत्म हो जाता है बस एक बार अपने ऊपर भरोसा लाके कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, बस यही रहता था सर। बिल्कुल सही बात बोली आकाश आपने। तो आकाश, अपने जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं जूनियर्स को यही मैसेज दूंगा कि सेल्फ बिलीव रखो, भगवान पे भी भरोसा रखो, क्योंकि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, और अपने टीचर की हर एक बातों को ज्यादा से ज्यादा गौर से सुनो, भले ही उनसे बात उतनी ना हो लेकिन उनकी जितनी बातें हैं वो सुन के अपने अंदर अमल करने की कोशिश करो, और एट लास्ट सक्सेस मिलेगी ही, और बस यही सर। आकाश कोई घर पे है? मम्मी या कोई? यस सर, मम्मी है। बुलाओ मम्मी को। जी नमस्कार। नमस्ते सर। जी सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आकाश की बहुत अच्छी रैंक है और इतनी अच्छी रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो अब आपको कैसा लग रहा है? लास्ट ईयर आकाश का बाई चांस तेजपुर यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया था, तो अब आपकी कैसी फीलिंग है, क्या सोचते हो आप? बहुत अच्छा आप पढ़ाए लिखाए सर, आपका आशीर्वाद है कि और आगे बढ़े हमारा लड़का। तो जी पढ़ाइए पढ़ाए हैं इसलिए आगे बढ़े हैं। जी जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप अच्छे एनआईटी में भी जाओगे, तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर।